गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन देखने वाले हैं। दो एप्लीकेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तीसरे एप्लीकेशन से हम बात कर रहे हैं। तीसरा जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का है वो है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू सिस्टम ऑफ यूनिट टू एनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका थर्ड एप्लीकेशन है, किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। अब समझो होता क्या है कि जब आप फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं, तो क्वांटिटी पर फर्क नहीं पड़ता, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पर फर्क पड़ता है। तो आप समझ लीजिए, व्हेन वी चेंज सिस्टम ऑफ यूनिट देन फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम बट यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू गेट चेंज। ठीक है, तो आपका क्या होता है, केवल आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है और यूनिट चेंज होती है, बाकी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है। तो आप अच्छे से जानते हैं क्यू बराबर क्या बताया था मैंने, N1U1 = N2U2। ये आपका यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन बताया था, क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब आपको N1 दिया, U1 दिया, U2 में कन्वर्ट करना है, N2 की वैल्यू पूछी है। तो यहां से N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1U1/U2। अच्छा, U1 और U2 क्या है, आपकी यूनिट्स हैं, इनको डायमेंशनल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन होता है किसका, डेराइव्ड क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ या डेराइव्ड यूनिट का फंडामेंटल यूनिट के साथ। ठीक है, तो इनको डायमेंशनली करेंगे तो अगर U1 बराबर क्या हो जाएगा, M1L1T1 की पावर ABC। तो U2 क्या हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है तो पावर तो क्या रहेगी, सेम, बस ये जो यूनिट की जो वैल्यू है वो चेंज रहेगी। तो ये हो जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। तो यहां से आपका N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 × M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C डिवाइडेड बाय M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। तो फाइनली N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। ठीक है, ये M1 यूनिट ऑफ मास है अलग अलग सिस्टम में, एक केजी में, एक ग्राम में, किसी में भी ले सकते हैं जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर जब इनको सॉल्व करना है तो दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देना है, चाहे नीचे वाले को ऊपर वाले में कन्वर्ट कर देना, चाहे ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट कर देना, फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो नई यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है जिसमें यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में करवा देता हूं। क्वेश्चन है, कन्वर्ट
5 न्यूटन इनटू डाइन। डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की, न्यूटन ऐसा यूनिट होती है किसकी? फोर्स की। तो आपको 5 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में कन्वर्ट करना। अच्छा, न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि N1 कितना दिया है। ठीक है, तो N1 दिया है आपका 5। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो जाता है? एम एल टी माइनस टू। यहां से ए बराबर कितना हो गया? 1। बी बराबर भी क्या हो गया? 1। और सी बराबर क्या हो गया? -2। ठीक है, अब आपसे N2 पूछा है, तो आप जानते हैं N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, ऊपर कौन सा है? किस यूनिट में दिया? ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो ऐसा यूनिट, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। ठीक है, उसके बाद ये नीचे किस में है? ये किस में है? सीजीएस यूनिट में है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं इन सीजीएस यूनिट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट में मास क्या हो? मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। ठीक है, ए बी सी सब आपको दिया होगा। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 यहां पर 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर ए, 1 मीटर अपॉन पावर ए की जगह क्या हो जाएगा? 1। 1 सेंटीमीटर की पावर 1, यहां पर 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर -। और सॉल्व करेंगे तो अब पहले इनकी वैल्यू यूनिट को क्या करेंगे? सेम करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। तो या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल दो या ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो N2 बराबर 5, किलोग्राम को ग्राम में बदल दो, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। ये तो क्या हो जाएगा? 1, ये पावर 1, 1, ये 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर -2। तो N2 बराबर 5, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इनटू ये 1000 × 100 × 10⁵, ये 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा। तो N2 बराबर क्या हो गया? 5 × 10⁵। तो 5 न्यूटन बराबर कितना होता है? 5 × 10⁵ डाइन हो जाता है। ठीक है, ये तो आपको सीजीएस सिस्टम मालूम है। कई बार आपको ऐसा सिस्टम दे देंगे जिसमें मास की मतलब नई यूनिट की वैल्यू देंगे, तो उसमें भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अपन और कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या दिया आपको? कन्वर्ट करना है किसको? क्वेश्चन लिखवा लेता हूं मैं, क्वेश्चन लिख लो आप। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इफ यू हैव डिजाइन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर 100 सेंटीमीटर 100 ग्राम एंड 1 मिनट। क्वेश्चन है, इफ यू डिजाइन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ एम एल एन टी इज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट। ठीक है, नया सिस्टम है, उसमें मास को कितना लेना है? 100 ग्राम और लेंथ को कितना लेना है? 100 सेंटीमीटर और टाइम को क्या लिखना है?
100 मिनट्स लेना है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में 60 जूल पर मिनट की वैल्यू क्या होगी, तो पहले मिनट को भी क्या कर दो, सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 जूल पर 60 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 वॉट, ठीक है। तो N1 बराबर क्या हो गया, 1, ठीक है। N1 बराबर क्या हो गया, 1। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ता है तभी जाके ये सॉल्व होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वैसे तो मैं बता चुका हूं। जूल का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, नीचे एक टी और आ गया तो टी माइनस थ्री, ये आपका नया डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब एन टू चाहिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन टू का, अच्छा इसमें ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया 2 और सी कितना हो गया -3, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये जो है फॉर्मूला एन टू का, एन टू बराबर क्या होगा, N1 M1 अपॉन N2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और क्या है T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। यहां पर N2 पूछा है, ठीक है, और जो आपका M1 है M2 है, जब ये वॉट में दिया या जूल पर सेकंड में दिया है, तो ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, कौन सा है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। तो N2 बराबर 1, M1 क्या हो जाएगा एसआई सिस्टम में 1 kg, नए सिस्टम में कितना दिया है 100 ग्राम, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 1 मीटर, नीचे क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, नए सिस्टम में जो यूनिट है, ठीक है। उसके बाद 1 सेकेंड, नीचे क्या हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। पावर कितनी इसकी, 1, इसकी 2, इसकी -3। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 1, यहां पर किलोग्राम को ग्राम में करो तो 1000 अपॉन 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मीटर को सेंटीमीटर में करो तो 100 अपॉन 100, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये हो जाएगा 1 सेकंड, मिनट को सेकंड में कर दो तो 60 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, पावर -3, ठीक है। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 1 का मल्टीप्लाई करिए, ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो भी 1 रहेगा, ये पावर -3 है तो ये क्या हो जाएगा 60 का क्यूब हो जाएगा। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 60 का क्यूब, यानी 216 गुणित 10 की घात 3, तो N2 बराबर हो जाएगा 216 गुणित 10 की घात 4 यूनिट जो नया है, ठीक है। तो N2 बराबर हो जाएगा 2.16 इंटू 10^6 यूनिट, ये नए सिस्टम ऑफ यूनिट में 60 जूल पर मिनट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। 60 जूल पर मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.16 इंटू 10^6 न्यू यूनिट, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसमें, नए सिस्टम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी यूनिट कन्वर्जन पर पूछे जाते हैं। तो दो तीन एप्लीकेशन हो गए, पहला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है वो चेक करने के लिए। दूसरा हो गया टू डायरेक्ट द रिलेशन बिटवीन न्यू सॉरी गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद डेफिनेट फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन डायरेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपका हो गया
क्या बोला था आपने, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू एनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ये आपके दो तीन एप्लीकेशन होंगे। चौथा जो एप्लीकेशन आता है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। तो अगला एप्लीकेशन आप देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या आता है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर इफ वी नो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देन वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन इट्स यूनिट, ठीक है। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो आप उसकी यूनिट भी बता सकते हैं। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम MLT-, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या दिया है मोमेंटम का, MLT-1, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, यूनिट निकाल सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड, ये आपकी यूनिट हो गई। तो अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उससे आप क्या बता सकते हो, यूनिट बता सकते हो, ठीक है। ये आपका चौथा एप्लीकेशन हो गया। पांचवा एप्लीकेशन हो जाएगा टू डिटरमाइन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। टू डिटरमाइन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कॉन्स्टेंट बाय डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस से आप किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने, मैंने बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं, कि अगर आपकी एक ही ऑर्डर की टर्म है तो उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। एक्सपोनेंट में आता है, पूरी क्वांटिटी का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, आर्गुमेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो वहां पर जितने भी कांस्टेंट आते हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ तो मैंने आपको वहां पर निकालना सिखा दिया था, कुछ और अपन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो आप अच्छे से जानते हो सॉल्यूशन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है, एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, ठीक है। अब F का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, तो F का पता है क्या होता है, MLT-2, R का पता है L पावर 2 है तो L स्क्वायर,
एम वन एम टू का पता है तो एम स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जी का फाइनल आंसर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये आपका डायनोसिल फॉर्मूला हो जाएगा। और भी कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनका भी हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, आपका डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स्थ एप्लीकेशन आता है डायमेंशनल एनालिसिस का, जो सिक्स्थ एप्लीकेशन आता है वो और आप देख लो क्या आता है, सिक्स्थ एप्लीकेशन क्या बोलता है, और भी क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अगला एप्लीकेशन है टू डिजाइन योर, सिक्स्थ एप्लीकेशन आएगा टू डिजाइन आवर ओन सिस्टम ऑफ डायमेंशन, ठीक है। हम अपने खुद का डायमेंशन का सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, अपन लेंथ मास टाइम इनको फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में मानते हैं और फिर डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, लेकिन आप चाहो तो कोई दूसरी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानकर लेंथ टाइम और मास का डायमेंशन फॉर्मूला उसके टर्म में निकाल सकते हो। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन आप देख लेंगे, क्वेश्चन में बोल देता हूं, सपोज यू डिजाइन योर सिस्टम ऑफ डायमेंशन, सपोज यू डिजाइन योर सिस्टम ऑफ डायमेंशन इन विच वेलोसिटी कॉमा प्लांक कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस लेंथ कॉमा टाइम एंड मास इन देयर टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, एच का प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, जूल सेकेंड, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस वन, जी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी देखा था एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है। अब लेंथ को इनके टर्म में बताना है, टाइम को इनके टर्म में बताना है और मास को इनके टर्म में बताना है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन को लेंथ के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, लेंथ प्रोपोर्शनल मानते हैं वी की पावर ए, एच की पावर बी और जी की पावर सी के, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एम जीरो एल वन टी जीरो बराबर एल की पावर ए टी की पावर माइनस ए एम की पावर बी, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, कुछ नहीं, एल टी माइनस वन की पावर ए एम
एल स्क्वायर टी माइनस वन की पावर बी। दूसरा तरीका भी है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मास खत्म हो जाएगा, ठीक है, एल की पावर 5 हो जाएगा और टी की पावर माइनस 3 हो जाएगा। फिर अपन इसका क्यूब करके इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो वो थोड़ा सा लेंथी होता है, उसमें सोचने की पावर आपकी ज्यादा होनी चाहिए कि भाई क्या करना है तो कर सकते हैं। नहीं सोच पा रहे तो ये तरीका सबसे बढ़िया है कि पावर मान लो, फिर रिलेशन निकाल लो, फिर जी की पावर क्या हो जाएगी, जी की पावर क्या हो जाएगी, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर 3, डी की पावर माइनस 2 और ये सी। तो अल्टीमेटली एम 0 एल 1 टी 0, तो ये हो जाएगा एल की पावर ए टी की पावर माइनस ए, एम की पावर बी, ठीक है, एल की पावर 2 बी, टी की पावर माइनस बी, एम की पावर माइनस सी और एल की पावर 3 सी और टी की पावर माइनस 2 सी, ठीक है। तो फाइनली एम 0 एल 1 टी 0, तो यहां से क्या हो जाएगा एम बी माइनस सी एल ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी और टी माइनस ए माइनस बी माइनस 2 सी, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, बी माइनस सी बराबर 0, तो बी बराबर सी ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा ये मिलेगा कि ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी बराबर 1। आप b की जगह पर क्या लिख सकते हो, c लिख सकते हो, तो a प्लस 5 सी बराबर 1। अच्छा यहां से बात करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a b माइनस b माइनस 2 सी बराबर 0, तो b की जगह c लिख दो, तो माइनस a माइनस 3 सी बराबर 0, तो यहां से माइनस a बराबर 3 सी, ठीक है, तो a बराबर माइनस 3 सी, ठीक है, तो a की जगह माइनस 3 सी लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 सी प्लस 5 सी बराबर 1, तो यहां से 2 सी बराबर 1, तो c बराबर 1 बाय 2, b बराबर 1 बाय 2 और a बराबर माइनस 3 बाय 2, तो आपका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लेंथ हो जाएगा आपका वेलोसिटी की पावर माइनस 3/2, ठीक है। उसके बाद एच की पावर 1/2 और जी की पावर 1/2, ये लेंथ का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एच और जी के टर्म में, ठीक है, तो ये आपका लेंथ हो गया। ऐसे ही आप मास कर सकते हो, ऐसे ही आप टाइम का कर सकते हो, तो नया सिस्टम बना सकते हो जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कोई दूसरी होगी और जो आपकी डेराइव क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको ऐसा डेराइव क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, किसकी बेटा, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या लिमिटेशन होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन है, हेडिंग है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट आएगा इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्टेंट लाइक वन
कॉमा टू कॉमा थ्री डॉट 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 पाई एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब किसी इक्वेशन में जो कांस्टेंट आते हैं उनके बारे में ये कुछ नहीं बताता कि उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगला, इट डज नॉट गिव रिलेशन बिटवीन मोर देन रिलेशन ऑफ क्वांटिटी विथ मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होता है कि आपका किसी एक क्वांटिटी का तीन से ज्यादा क्वांटिटी के साथ रिलेशन नहीं बता सकता, क्योंकि तीन से ज्यादा क्वांटिटी के साथ रिलेशन होगा तो इक्वेशन में भी तीन से ज्यादा टर्म आ जाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की, मतलब तीन चार इक्वेशन, तो चार इक्वेशन को सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है जबकि आपके वेरिएबल उतने ना हो, तो ये क्या करता है तीन से ज्यादा क्वांटिटी का रिलेशन नहीं देता, ठीक है। उसके बाद वी कैन नॉट डेराइव द फॉर्मूला विथ हेल्प ऑफ डायमेंशन विच कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉमा लॉगरिथम कॉमा एक्सपोनेंशियल। मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं, लॉगरिथम आ रही है या फिर एक्सपोनेंशियल आ रहे हैं, तो उनके फॉर्मूला को आप इससे डेराइव नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट डेराइव एग्जैक्ट इक्वेशन विच कंटेन टू और मोर टर्म इन सेम ऑर्डर, ठीक है। मतलब एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी एग्जैक्ट इक्वेशन ही डिटरमाइन कर सकते, या तो एस को यूटी के टर्म में बता सकते हैं या एस को ए टी स्क्वायर के टर्म में बता सकते हैं। ये कंबाइनली डेरिवेशन नहीं आता तो एग्जैक्ट डेरिवेशन आपको नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद आता है टू क्वांटिटी टू और मोर देन टू क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये भी लिमिटेशन है, क्यों? क्योंकि अपन वर्क का निकालना चाहते हैं, पता चला कि टॉर्क आ रहा है तो टॉर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है और वर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो क्वांटिटी टॉर्क है कि वर्क है या फिर एनर्जी है या कुछ और चीज है, क्योंकि कई क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन दैट द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ये भी नहीं बताता कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका रिलेशन आपने डेराइव किया वो स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद आपका
उसके बाद आता आपका वी डोंट एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ अ क्वांटिटी क्वांटिटी विथ टू क्वांटिटी क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगर किसी फॉर्मूले में लेंथ और रेडियस दोनों आ रहे हैं तो उसका फॉर्मूला आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि लेंथ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल, और रेडियस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल। तो ये इतने सारे लिमिटेशन होते हैं किसके? डायमेंशनल एनालिसिस के। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन और उसके लिमिटेशन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।